सरकार की हर हर महादेव। समय हम हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के इस ग्राउंड में और यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार से आए हुए हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज और इनका यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ चल रहा है। तो कब चल रहा है, कैसे चल रहा है, पूरा डिटेल आप इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए कंटिन्यू इस वीडियो में। तो जैसे ही यहाँ पर आप पहुँचते हैं आपको गेट पर कुछ इस प्रकार से तिलक लगाया जाएगा और उसके बाद आप देख सकते हैं यह जो कार्यक्रम स्थल है, आप देख सकते हैं कि ऊपर कथा स्थल लिखा हुआ है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी के चौका घाट में स्थित है। तो चलिए हम लोग इस विश्वविद्यालय के अंदर आ चुके हैं और यहीं जो इस विद्यालय का खेल का मैदान है, जो प्लेग्राउंड है, उसी के अंदर कथा हो रही है। तो आइए अंदर देखते हैं कि क्या कुछ सीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी फोर्स लगी हुई है और साथ ही साथ कुछ दुकानें भी लगी हुई हैं। ये जो दुकानें हैं बिल्कुल टेम्पररी हैं जब तक कि ये कथा चलेगी। जो लोग यह कथा सुनने के लिए दूर दूर से आए हैं उनके लिए फ्री में खाने, रहने और पीने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं कि यही वो खेल का मैदान है जहाँ पर कथा हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाइन लगी हुई है ये महिलाओं की लाइन है। यहाँ पर थोड़ी ही देर में फ्री में भोजन दिया जाएगा इनको और वहीं पर पुरुषों की लाइन अलग से लगी हुई है। यहाँ पर इनको खाने की चीज़ें मिलेंगी और साथ ही साथ पीने के लिए फ्री में पानी और रहने की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। चलिए पुरुषों की लाइन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुरुषों की लाइन है वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में है और अभी यह करीब करीब दोपहर के 1 बजे का दृश्य है। यही सामने देखिए कार्यालय बनाया गया है, श्री बागेश्वर धाम लिखा हुआ है और कार्यालय है, वहाँ पर आप संपर्क करके अपनी समस्याएं कह सकते हैं या जो कुछ भी हेल्प लेनी है वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। आइए अब इस पंडाल के अंदर चलते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये कथा जो है कि 11 तारीख से लेकर के 18 सितंबर तक, यानी कि 11 सितंबर से 18 सितंबर तक शाम के 4 बजे से 7 बजे तक यह कथा होगी जो कि श्रीमद् भागवत कथा है और 13 और 14 दो दिन, यानी कि 13 सितंबर और 14 सितंबर को दिव्य दरबार लगेगा जो कि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कथा जो है कि 11 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक चलेगी, सायं 4 बजे से 7 बजे तक। इसी बीच दो दिन जो है कि 13-14 को क्या रहेगा, दिव्य दरबार रहेगा महाराज जी की तरफ से। तो चलिए हम लोग पंडाल के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा करीब से देखते हैं क्योंकि अभी जब हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज है आपका 12 तारीख और समय है करीब 1:30 बजे। तो अभी महाराज जी आए हुए नहीं हैं, फिर भी आप यह दरबार थोड़ा सा नज़दीक से देख लीजिए और जैसे ही 4-4:15 बजे तक महाराज जी आएंगे और कथा कहेंगे तो हम आपको उनके कथा की वीडियोस भी उपलब्ध कराएंगे, हो सकेगा तो आपको लाइव भी दर्शन कराएंगे। तो यह भीड़ देख सकते हैं, अभी 3-4 घंटे बाकी हैं कथा शुरू होने में, उसके पहले ही यह लोग दूर दूर से आकर के यहाँ पर अपना उचित स्थान लेकर के बैठे हुए हैं। यहीं पर महाराज जी आएंगे और कथा कहेंगे, या वो उनकी सीट है और यहाँ से 4 बजे से श्रीमद् भागवत गीता का वो पाठ करेंगे, कथा सुनाएंगे। आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज शाम 4 बजे से यहाँ पर कथा होगी और हो सकेगा तो हम आपको लाइव दिखाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।